जनाब स्पीकर, ये एक चीज़ महसूस की जा रही है, बल्कि शिद्दत से ये महसूस मैं करती हूँ कि हमारे अगर हेल्थ से रिलेटेड स्पेशली अगर हम देखें तो बीमारियाँ, आई थिंक इंसान, हम चाहे अपोजिशन के हैं, ट्रेजरी बेंचेस के हैं, बीमारी ये नहीं देखती है कि आप गवर्नमेंट के हलके के हैं, उसके वोटर हैं, या आप अपोजिशन के वोटर हैं। कोविड ने भी हमें ये बताया, क्या ऐसा हुआ कि कोविड में गवर्नमेंट बेंचेस के लोग मुतासिर नहीं हुए? हरगिज़ नहीं। या फिर ऐसा है कि डिफरेंट जितनी भी डिजीज़ होती हैं उसमें सिर्फ अपोजिशन वाले मुब्तला होते हैं? ऐसा भी हरगिज़ नहीं। तो जब हमारे मसाइल मुश्तरक हैं तो हम उसके हल के लिए मुश्तरक कोशिश क्यों नहीं कर सकते? इस ज़मन में मैंने एक तजवीज़ दी थी सीएम साहब को कि हम एक पूरी असेंबली का फोकस ग्रुप्स हम बनाएंगे जिसमें हम अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस को साथ लेंगे, और ये जो फोकस ग्रुप हम बनाएंगे ये डिज़ीज़ प्रिवेलेंस और डिज़ीज़ बर्डन, यानी जिस डिस्ट्रिक्ट में जो बीमारी ज़्यादा होती है उसके हिसाब से हम बनाएंगे, जिसमें अपोजिशन के और ट्रेजरी बेंचेस के मेंबरान सब शामिल होंगे। इससे एक तो ये फ़ायदा होगा कि अवेयरनेस कैंपेन्स जब होती हैं, हम पहले अवेयरनेस सेशंस रखेंगे अपने तमाम मौजिस अराकीन के लिए, इससे फिर वो अपने अपने हलकों में जाके हमारे एडवोकेट्स होंगे कि अपने हलकों में उस बीमारी के लिए ज़्यादा मौसर तरीके से काम कर सकेंगे। उन्होंने इस तजवीज़ को सराहा और उनकी रिकमेंडेशन पे, और फिर जनाब स्पीकर साहब के साथ भी मेरी बात हुई, उन्होंने भी हौसला अफजाई की। गो के ये हमने ऐलान करना था पिछले सेशन में, लेकिन मैं अपनी ज़ाती वजूहात की बिना पर नहीं आ सकी पिछले सेशन में। तो इस सेशन में एक तो ये है कि हम ये ऐलान करें, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपकी रूलिंग एक दे दी जाए कि ये जो हम फोकस ग्रुप्स बनाएंगे इनको एक लेजिस्लेटिव फॉर्म के हिसाब से हम लेकर चलेंगे कि कोई पॉलिसी बनाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वी आर पर्सनैलिटी बेस्ड सोसाइटी, सिस्टम बेस्ड नहीं है। तो अगर हम इसको एक किसी सिस्टम में ले आएंगे तो ये चीज़ आगे भी कंटिन्यू होती रहेगी इंशाल्लाह। दूसरी चीज़ ये है कि हम हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों का हमने चेंज किया है, बहुत सी लेजिस्लेशंस लेके आ रहे हैं। तो उन सब के लिए एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि हम रखना चाहते हैं तमाम मेम्बरान के लिए एक प्रेजेंटेशन जो हेल्थ डिपार्टमेंट तमाम मेम्बरान को देगा, जिसकी वजह से उनको ये मालूम होगा कि हम क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। क्योंकि आई एम द काइंड ऑफ पर्सन जो ये इस पर यकीन रखता है कि हमने क्या नहीं किया या क्या किया था या क्या करेंगे, इन दो सीगों को छोड़ने के बाद हमें ये देखना होगा कि हम क्या कर रहे हैं। और यही चीज़ हम शेयर करना चाहते हैं अपने अपोजिशन के मेंबरान के साथ भी, अपने ट्रेजरी बेंचेस के मेंबरान के साथ भी, ताकि ये एक कलेक्टिव डिसीजन और कलेक्टिव ओनरशिप हो। हेल्थ और एजुकेशन दो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम किसी की कोई तख़सीस नहीं कर सकते, हमें इसको सबके हिसाब से लेके चलना है। तो अगर हम इस तरीके के इनिशिएटिव्स ले रहे हैं तो आई थिंक वी शुड ऑल बी ऑन बोर्ड ऑन दिस एंड वी शुड सी, क्योंकि हम फिर ये कहना कि जी ये नहीं किया वो नहीं किया, एक दूसरे को मुद्र इल्ज़ाम ना ठहराएं। जैसे शायर ने कहा कि शिकवाए जुल्मत शब से तो बेहतर था कि अपने हिस्से की शमा जलाते जाते। तो हम इसके लिए कोशिश करें कि माशरे की बर्बादी के नोहे पढ़ने के सिवाय हम मेहनत करें, अपने हिस्से का खैर का काम करें और दूसरे लोगों को, अपने आसपास रहने वालों को, उनके हिस्से का खैर का काम करने में आसानियां फराहम करें। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि एक तो ये सेशन जो अवेयरनेस का हम रखने चाहते हैं, इसके लिए आप हमें एक कोई डेट अगर सेक्रेटेरिएट के यहाँ अरेंज करता है तो हेल्थ डिपार्टमेंट वुड बी हैप्पी टू गिव अ प्रेजेंटेशन टू ऑल द ऑनरेबल मेंबर्स फॉर द रिफॉर्म्स चेंजेस एंड लेजिस्लेशंस दैट वी आर ब्रिंगिंग इन। तो ये दो चीज़ें थी, ये रिक्वेस्ट है आपसे मेरी कि ये जो है इसमें, एंड आई एम श्योर कि हमारे ट्रेजरी बेंचेस के साथ साथ हमारे अपोजिशन के मेम्बरान भी इसके साथ इसमें हमें सपोर्ट भी करेंगे, इसको अप्रिशिएट भी करेंगे और मिलकर हमारे साथ इसमें काम करेंगे। तो थैंक यू सो मच।